हो सकता है किसी का फिगर, किसी का पोर्ट्रेट, किसी का आउटलुक, किसी का स्टैंडर्ड, किसी की पर्सनालिटी आपको पसंद आ जाए और आप उसे प्यार समझ बैठो। लेकिन ये क्या है, एक तरह की इन्फैचुएशन है 2 से 3 महीने की, या हद से हद 6 महीने की, जो एक टाइम आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, और चलो मैंने माना ये प्यार भी है, तो उस 2-3 महीने के प्यार के सामने अपने वालिद की 18 साल की कुर्बानियों को रख कर देखो, अपने वालिद के 18 साल के उस प्यार, उस लाड के सामने रख कर देखो, तो क्या कोई वैल्यू है उस प्यार की, 2-3 महीने के प्यार के, आपके वालिद के प्यार, लाड और कुर्बानी के सामने है कोई वैल्यू? या फिर वालिद का जो घर है एक ऑर्फनेज होम है, एक अनाथ आश्रम है, जहाँ आप 18-19 साल तक बिना किसी टेंशन के खाते हो, और 18-19 साल के बाद जब आप बालिग हो जाते हो तो कहते हो मैं बालिग हो गई हूँ, है कोई अहमियत उस प्यार की, आपके वालिद की कुर्बानियों, लाड और आपके वालिद की इतनी जिद्दोजहद से की हुई कमाई के सामने, आपकी परवरिश के सामने कोई वैल्यू नहीं है, है कोई वैल्यू? कि अगर एक वालिद का या फिर वालिदैन का फर्ज है कि वो खून पसीना बहाकर भी अपनी मेहनत की कमाई से आपको उम्दा, अच्छी और बाखलाक परवरिश दें, तो क्या एक बेटी, एक औलाद का फर्ज ये नहीं है कि वो अपने जरिए अपने वालिद की इज्जत को कायम और ताइम रखे, अपने वालिद की इज्जत को बरकरार रखने की कोशिश करे? मैं जानती हूँ इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ट्राई, कुछ ट्राई भी तो होता है, एटलीस्ट ट्राई ही कर ले कि मेरे जरिए मेरे वालिद की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि अपने वालिद वालिदैन की इज्जत को अपने जरिए जितना हो सके कायम और ताइम रखने की कोशिश करें, क्योंकि उस 2-3 महीने के प्यार के सामने आपके वालिद की इज्जत कहीं दर्जे ऊंची है। वो 2-3 महीने का प्यार रखती है आपके वालिद की 18 साल की कुर्बानियों के सामने।